Jungle. निंग कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने, हम लोग मतलब मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई, मेरा बेटा और मैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पटना के मतलब बुद्ध पार्क, एक बुद्ध स्मृति पार्क नाम से एक पार्क है, इस जगह के पास में ही है, तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और मैं वहाँ आपको सबसे मिलाऊंगी। पीछे पापा, मम्मी और ये मेरा भाई और ये छुटंकू। देखो इधर, हाय करो, हाय। तो वो ऐसे कर रहा है तुम्हारा, तुम्हें को देख के तो बहुत चंक है, ये बहुत चंक। चलिए हम लोग मिलते हैं। सवाल का जवाब पूरा एक इसमें। और इसे देखिए, खुद को दिखाते हुए कैमरे में कितने स्माइल कर रहे हैं। पापा लोगों को दिखाना चाह रही थी, वो एक्चुअली स्टार्ट हो चुका था, तो लेके जाने का कोई मतलब नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि पापा बोल रहे थे कि महावीर मंदिर देखना है, तो मैंने बोला कि चलिए मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो अभी हम लोग महावीर मंदिर आए हैं और इसके बाद एक नया मंदिर यहाँ पे स्टेशन के पास में खुला है, जिसको इस्कॉन मंदिर बोलते हैं, राधे श्याम का है। तो एक्चुअली मैं भी वहाँ अभी नहीं गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे अगर जल्दी दर्शन हो जाते हैं तो मैं वहाँ पर मम्मी पापा को ले जाके दर्शन करा दूँगी। जब मंदिर घूम ही रहे हैं और नहा के निकलेंगे, फ्रेश हैं ही, तो मैं सब पूजा भी कर लेंगे इसी बहाने। तो यहाँ की तो पूजा हो चुकी है, बट देखते हैं अभी कुछ सिस्टर लोग निकली है, अगर मिल जाएगी तो उन लोगों को भी घुमा देंगे, नहीं तो फिर मम्मी पापा लोग के साथ ही जाएंगे। और ये देखिए कुछ स्टेशन का नजारा कितना खूबसूरत लगता है। देखिए हमारे पटना स्टेशन के पास हमारा फ्लैग कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लहरा रहा है और ये कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी हम लोग आए हैं इस्कॉन मंदिर में, ये भी पटना स्टेशन के पास में ही है और मैं पहली बार आ रही हूँ यहाँ, मैं इससे पहले कभी नहीं आई थी, तो मैंने सोचा देखें अगर अंदर जाना भी अलाउड हो रहा होगा तो चलेंगे। ऐसे 10 बजने वाले हैं इसीलिए बस डाउट है, देखते हैं क्या बात है। हम लोग अभी घर आ चुके हैं और मच्छर बत्ती हम लोग लेने आते हैं क्योंकि बहुत मच्छर लगता है यार घर में, क्या बोला कैसे वॉइस टिकट थोड़ी होगा इसमें। तो हम लोग इस्कॉन मंदिर नहीं देख पाए क्योंकि वो एंट्री बंद हो चुका था, काफ़ी लेट हो चुका था। तो होपफुली अगर टाइम मिलता है तो हम लोग मॉर्निंग में जाएंगे कल या फिर किसी और दिन, तो अगर मैं जाऊंगी तो ज़रूर आप लोगों को भी दिखाऊंगी। अभी नया ही बना है, एक महीने भी नहीं हुए हैं अभी उसको खुले हुए, और बहुत ही बड़ा बना हुआ है, बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो ऑब्वियसली अंदर से भी उतना ही अच्छा होगा। तो अभी बहुत रात हो चुकी है, इसको बस एक यही पोज आने वाला है, आगे कुछ बस यही, बहुत ज़्यादा बदमाश है, कभी तो नाम से बताऊंगी इसके बारे में।
तो अभी हम लोग घर चलते हैं और मिलती हूँ मैं डायरेक्टली आप लोगों से कल सुबह में, ठीक है? तब तक के लिए गुड नाइट। मॉर्निंग एवरीवन, मैं वापस आ गई हूँ, सुबह हो चुकी है। कल हम लोग रात को आए, खाए पिए और बहुत सारे गप्पे मारे हम लोगों ने, और काफ़ी लेट हो चुका था, ऑलमोस्ट रात के 12 बज चुके थे। उसके बाद हम लोग सोने गए और अभी सुबह हो चुकी है, सबका चाय कंप्लीट हो चुका है और मेरा बेटा यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। सबको हेलो, फोटो नहीं खींच रहे बेटा, वीडियो बना रहे हैं। हेलो, तो अभी ये पढ़ाई कर रहा है और मेरा भाई कपिल शर्मा का शो देख रहा है। एज यूजल हम लोग के घर में दो चीज़ आपको हमेशा चलते हुए दिख जाएंगे, एक है द कपिल शर्मा का शो और दूसरा होता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये हम लोगों का ऑल टाइम फेवरेट टाइम पास सीरियल है जो हम लोगों के घर में हमेशा चलता रहता है। अगर ऐसे टीवी पे एपिसोड ना भी आ रहा हो तो यूट्यूब से हम लोग देखते हैं, बट तारक मेहता के लिए तो मतलब क्रेजी है, अभी भी हम लोग तारक मेहता ज़रूर ही देखते हैं। तो बस अभी नाश्ता बना रही हूँ मैं और उसके बाद हम लोग सब नाश्ता करेंगे और होपफुली आज भी कहीं बाहर जाने का प्लान है, तो वो जब हम लोग निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिलहाल चलिए चलते हैं किचन में नाश्ता बनाने। और ये नाश्ता बन रहा है मेरा, नाश्ता बोले तो ऑलमोस्ट भुजिया बन रहा है, आलू और भिंडी का भुजिया बन चुका है देखा जाए तो। और अब मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म रोटियाँ, दही, अचार और भुजिया। ये है आज का नाश्ता, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट लग जाते हैं नाश्ता बनाने में। और मैं इसको अभी काट देती हूँ, अभी मैं रोटियां बनाने जाती हूँ गर्मा गर्म, क्योंकि सभी फ्रेश हो चुके हैं, नहा चुके हैं, अपडेटेड है और 9 भी बजने वाले हैं, तो नाश्ता हम लोग घर में ऑलमोस्ट 9 बजे तक सब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं फटाफट रोटियां बनाती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद अगर कहीं बाहर जाने का प्लान बनता है, कहीं क्या जाना ही है क्योंकि मम्मी पापा तो कुछ दिनों के लिए ही हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ आए हैं तो घुमाना तो बनता है। तो बस निकलेंगे तो उसके बाद उसका ब्लॉग भी आपके साथ शेयर करूंगी। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, ये छोटा सा ब्लॉग ही मैंने रखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, छोटा छोटा ही पार्ट्स में कुछ ब्लॉग्स आने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि छोटे ही ब्लॉग्स हो बट उसमें इंटरेस्टिंग हो, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और आज ही होपफुली मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी। तो फिर बने रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और बस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।